ये वाइड लेना, ये भाई वाइड लेना हमने। अरे इधर 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 भी अच्छा मॉडल, रुको। क्या बात है मनीषा जी, मनीषा जी इधर देखिए, मनीषा जी एकदम सामने देखिए, ये कैमरे में देखिए, यहाँ पे आ रहा मनीषा जी, अभी मनीषा जी ये कैमरे में देखिए, राइट कौन एकदम सामने देखिए आपके, एकदम सामने आपके मनीषा जी, कैसे हो मनीषा जी? अरे मैडम जी, मैडम जी एकदम सामने, थैंक यू मैम। मैम परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो रही है आपकी, बैक टू बैक रवीना मैम ने भी अप्रिशिएट किया है थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेहनत कर रहे हैं और हर हफ्ते ट्राई कर रहे हैं कुछ ना कुछ अलग डांस फॉर्म करने का और जजेस को इम्प्रेस करने का और सारे जितने भी मेरे फैंस हैं सबको इम्प्रेस करने का। आप डबल धमाका दे रही है अंदर, मतलब डांस भी कर रही है लेकिन कॉमेडी भी काफ़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको अभी कपिल शर्मा शो में भी आपको नया मिलने वाला है, नया शो। बस आप लोग का आशीर्वाद रहेगा और सबका रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके मैम, लास्ट सवाल है, फिनाले है कुछ, अगर आप दो शब्द अगर आप कहना चाहें, बिग बॉस का फिनाले। देखिए मुझे तो हमेशा से हम कहते हैं कि जनता इज़ द रियल बॉस, जनता जो भी बेस्ट खेलेगा जनता उसको जिता देगी, क्योंकि हम ये सीज़न बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किए तो मैं ऐसे कह नहीं सकते हैं। आई होप द बेस्ट वन विन, जो सबसे अच्छा रहेगा वही जीते। लोग कह रहे हैं कि मुनावर या अंकिता जीत जाएगी या अभिषेक जीत जाएगा, अभिषेक तो हीरो बन गया। मुझे भी टॉप थ्री में जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अभिषेक, मुनावर और मनारा अंकिता भी है, हाँ अंकिता जी भी है, ये सभी अच्छे खेले, आई थिंक ये सब टॉप फोर में रहेगी और जो बेस्ट होगा वो जीत जाएगा। और आपका रील भी बहुत अच्छा था, अभी आपने डाला था श्री राम जी के ऊपर, आपने बहुत अच्छा बनाया था, क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली क्या था ना, ये इतना बड़ा मतलब हमारे देश के लिए 22 जनवरी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि राम जी वापस अयोध्या आ गए, तो मेरा बहुत दिन से ऐसा था कि वीडियोज़ बनाना है, लेकिन झलक में आपको पता है हम लोग सुबह आते 10 बजे, रात को 11-12 बजे जाते, तो हम मतलब रोज सोचते बनाएंगे, बट मुझे प्रोफेशनल शूट करना था एकदम। इधर ही बनाया था आपने? हाँ हाँ इधर ही, इधर ही। तो मेरे को फिर रहा नहीं किया, हम बोले यार छोड़ो, उस दिन मैं मेकअप नहीं की थी और ऐसी तेल वेल लगा के बाल भी, तो हमने यार रहने दो, अब हम प्रोफेशनल सोचेंगे शूट करने जाएंगे तो वो हो नहीं पाएगा, इसलिए जैसे है वैसे ही शूट करके, क्योंकि भगवान के वीडियो के लिए और आस्था के लिए ऐसे आई डोंट थिंक कि मेकअप या किसी चीज़ की जरूरत है, बस दिल से निकलना चाहिए। लेकिन आप सुंदर बहुत लग रही थी और आज भी आप बहुत लग रही हैं। अरे बाप रे भैया, हमेशा लगते हो। थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भैया, थैंक यू, बाय। चलो लुक बैक बोलो भाई। नहीं नहीं